हाय बच्चों, ये क्लास एट्थ का हिस्ट्री का जो लेसन है सेकेंड, उसका मैं सेकेंड पार्ट डालने जा रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। तो जैसे पता है कि जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, पहले सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री जो है बैंक ऑफ रिवर हुगली के 1651 में यहाँ पे अंग्रेज इसको बनाए थे। ठीक है, तो जब वो वहाँ पे बेस बना लिए भारत आके, अब वो पूरे देश से पूरे भारत देश से सामान को ला के वहाँ पर स्टोर करना शुरू किए। ठीक है, अब जो उस स्टोर करना शुरू किए, तो अब स्टोर करने के बाद अंग्रेज़ों ने वहाँ के मुग़लों से ये भी आदेश मंगवा लिया कि भाई हम वहाँ पर सामान स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे कुछ सैनिक भी होने चाहिए, नहीं तो लूट हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पे जो उस समय औरंगजेब जो इम्पायर थे, राजा थे, वो औरंगजेब थे, और औरंगजेब ने भी एक फरमान जारी कर दिया। फरमान कर दिया मतलब इससे क्या हो गया, अंग्रेज़ों को यहाँ पे व्यापार करने का इजाज़त मिल गया। ठीक है, और उनको ड्यूटी फ्री हो गया, मतलब उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये औरंगजेब ने कर दिया, यहाँ पे वो किला बना लिए, अपना सामान स्टोर करने लगे, और मुग़ल शासन से आदेश भी प्राप्त कर लिए कि फ्री में वो यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। और जब औरंगजेब ने अब ये फरमान जारी कर दिया, ठीक है, और उसके बाद देखो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे औरंगजेब की बात तो नहीं, वहाँ पे अंग्रेज़ों को क्या हुआ, टैक्स देना पड़ता। ठीक है, अब जैसे जैसे जब अंग्रेज़ों को टैक्स देना पड़ गया कुछ जगहों पे, तो उनको ये टैक्स देना काफ़ी मुश्किल लगा। ठीक है, जैसे नवाब बंगाल मुर्शिद कुली खान, इसने नहीं माना, तो इसने कहा कि मैं बम्बई यहाँ पे व्यापार करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा दिक्कत होने लगा औरंगजेब के बाद, जब मुर्शिद अली खान आ गया, अब अंग्रेज़ क्या करें, तो उन्होंने दिमाग लगाया हाउ ट्रेड लेट टू द बेटर। अब जिस तरीके से अब मुर्शिद अली खान वहाँ पे टैक्स लेने लगा, तो अंग्रेज़ों ने ये बहाना किया कि ये हमें यहाँ पे व्यापार करने नहीं दे रहा है, अगर जब हम यहाँ पे व्यापार करेंगे तो हमें काफ़ी दिक्कत होगा। उस समय पूरे भारत पे मुग़लों के साथ साथ सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठे हुए थे। ठीक है, अब सिराजुद्दौला, तो इसने जब बंगाल का नवाब बना उस समय, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब ये सुनेगा मेरा बात, पर सिराजुद्दौला के आने बाद भी उसने कहा कि टैक्स बढ़ा दिया कि अंग्रेज़ यहाँ पे अगर व्यापार करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इसी बीच सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों को भी मतभेद हो गया इसी टैक्स को लेके, और उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। और लड़ाई कहाँ हुआ, ये फेमस लड़ाई है बैटल ऑफ प्लासी। ये अंग्रेज़ों ने सबसे पहला लड़ाई जीता था हमारे भारत में, किससे, सिराजुद्दौला से, और इस कारण से जीता कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, ठीक है, मीर जाफर था, उसने अंग्रेज़ों को बहकाव में, अंग्रेज़ों ने उसको बहकाया कि सिराजुद्दौला की जब हार जाएगा तो उसके बाद बंगाल की गद्दी मैं तुम्हें बैठा दूंगा। तो जब लड़ाई छिड़ी ना, तो मीर जाफर ने अपने सैनिक जो है लेके आया ही इन लड़ाई में, इसी कारण से सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से वो हार गया। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ प्लासी जो 1765 में हुआ, 1756 में हुआ था। ठीक है, तो आप जान गए कि बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला हार गया, और हारने का कारण था मीर जाफर। ठीक है, तो ये आपका फेमस बैटल ऑफ प्लासी के नाम जाना जाता है, जिसमें बंगाल के नवाब का हार हो गया, बैटल ऑफ प्लासी, और ये पहला जीत था अंग्रेज़ों का। ठीक है, अब अगला टॉपिक में मैं अगला वीडियो में थोड़ा सा इसके आगे पढ़ाऊँगा।